अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रैमर रूल से 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स को सॉल्व करना। ठीक है, क्रैमर रूल। पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सिखा दिया है, तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्रैमर रूल को समझेंगे। फर्स्ट स्टेप, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। एक्स के साथ कोएफिशिएंट 2, वाई के साथ कोएफिशिएंट 3, जेड के साथ कोएफिशिएंट 1, एक्स के साथ कोएफिशिएंट 3, वाई के साथ कोएफिशिएंट -2, जेड के साथ कोएफिशिएंट -2, एक्स के साथ कोएफिशिएंट 5, वाई के साथ कोएफिशिएंट 1, जेड के साथ कोएफिशिएंट -3, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3, 1, 2। ठीक है, ये आपके पास आ गई है मैट्रिक्स फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप, आपने ए डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। डिटरमिनेंट मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ 3x3 ऑर्डर का। 2, 3, 1, 3, -2, -2, 5, 1, -3। सबसे पहले आप ये नंबर लेंगे, तो जब आप ये नंबर लेंगे तो इस नंबर की रो और इस नंबर का कॉलम आपने इग्नोर कर देना है। -2, -2, -2, -2, 1, -3, एक दफा प्लस, एक दफा माइनस। अब आपने 3 ले लेना है। 3 वाली रो, 3 वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा। 3, -2, 5, -3, इसके बाद माइनस के बाद प्लस, 1, 1 वाले नंबर की रो और 1 वाले नंबर का कॉलम इग्नोर हो जाएगा। 3, -2, 5, 1। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे +6, बीच में माइनस आएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 होगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9, माइनस -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -10, लेकिन माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई के +10 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 हो जाएगा। -10 माइनस से मल्टीप्लाई के +10 हो जाएगा। 6 + 2 = 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 10 में से 9 जाएगा 1, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 10 में 3 ऐड करेंगे 13, 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 27। तो मेरे पास आ गया ए डिटरमिनेंट। क्योंकि ये जीरो नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसके बाद आपने कैलकुलेट करना है D1। जो नेक्स्ट वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है वो D1। तो D1 अगर आपको समझ नहीं आती है, पिछले लेक्चर उठा के देख लें। आपका जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम की जगह आपने ये वाली वैल्यू रख देनी है। तो 2, 3, 5 की जगह आपने लिखना है 3, 1, 2, और बाकी दूसरा और तीसरा कॉलम आपने इसी तरह लिख देना है। और फिर इसका अगेन आपने डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। देखें, जब आप 3 को लेंगे, 3 वाली रो, 3 वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा। -2, -2, 1, -3 प्लस, तो अगली दफा माइनस, 3 वाला रो, 3 वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा। 1, -2, 2, -3 माइनस के बाद अब प्लस का नंबर। अब आपने 1 ले लेना है। 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा। 1, -2, 2, 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। -2 को 1 से देंगे -2, लेकिन -2 इस माइनस से मल्टीप्लाई के +2 हो जाएगा। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, बीच में माइनस आएगा। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, लेकिन -4 माइनस से मल्टीप्लाई के +4 आ जाएगा। इसी तरह 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, माइनस -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, माइनस माइनस प्लस, तो ये +4 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 2 - 6 - 4, 4 में से 3 माइनस होगा 1, 1 + 4 = 5, 3 - 4 - 12 - 3 + 5, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। -12 - 3 - 15 - 15 में +5 ऐड करेंगे तो -10 आपके पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया D1। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे D2। तो अब D2 के लिए हमें क्या करना है? D2 के लिए अब आपने जो सेकेंड कॉलम होगा उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। फर्स्ट कॉलम को आप इसी तरह लिख लें। अब सेकेंड कॉलम की जगह आप लिखेंगे 3, 1, 2, 1, -2, -3। और अब आप इसका दोबारा से डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लें। 2 वाली रो और 2 वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा।
थ्री वाली रो, थ्री वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा। अब आपने वन लेना है, वन वाली रो और वन वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा। 3152, इसको सिंपलीफाई कर लें। वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री, माइनस माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा। थ्री को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस नाइन, माइनस माइनस टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टेन, माइनस टेन माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस टेन हो जाएगा। थ्री को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स, वन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव। फोर में से थ्री जाएगा वन, वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू, टेन में से नाइन जाएगा वन, वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री, सिक्स में से वन जाएगा वन, वन को वन से मल्टीप्लाई वन करेंगे। इसको आप सिंपलीफाई कर लें, टू प्लस वन थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो। तो ये आपके पास डी टू कैलकुलेट हो गया। अब आपने नेक्स्ट कैलकुलेट करना है डी थ्री। तो डी थ्री में हम क्या करेंगे, डी थ्री में अब आपने पहले दो कॉलम इसी तरह लिख देने हैं। अब थर्ड कॉलम की जगह आपने इसकी ये वाली वैल्यू थ्री वन टू रख लेनी है। और अब आपने इसका दोबारा से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले टू ले लेते हैं, टू वाली रो, टू वाला कॉलम इग्नोर हो जाएगा, माइनस टू वन, वन टू, माइनस थ्री, थ्री वाली रो, थ्री वाला कॉलम इग्नोर, थ्री वन फाइव टू, प्लस थ्री, थ्री वाली कॉलम, थ्री वाला रो इग्नोर, थ्री माइनस टू फाइव वन। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फोर, माइनस वन को वन से देंगे वन, माइनस थ्री टू दर सिक्स, माइनस वन को फाइव से देंगे फाइव, प्लस थ्री, थ्री वन दर थ्री, माइनस माइनस टू को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन, लेकिन माइनस माइनस प्लस टेन हो जाएगा। माइनस फोर, माइनस वन, माइनस फाइव, माइनस फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टेन, सिक्स में से फाइव हो जाए माइनस करेंगे वन, वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, टेन प्लस थ्री थर्टीन, थर्टीन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी नाइन। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो 39 में से 10 जाएगा, इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो 39 में से 10 जाएगा 29, 29 में से 3 जाएगा 26। अब x को कैलकुलेट करने का फार्मूला है d1 over a determined, y को कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा d2 by a determined, और z को कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा d3 divided by ए डिटरमेंट। अब आप इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर लें। अब देखें, हमारे पास जो डी वन का आंसर आया था वो था माइनस टेन, तो आपने डी वन की जगह लिख देना है माइनस टेन ए डिटरमेंट। ए डिटरमेंट का हमारा आंसर आया था 27, तो आपने यहाँ पे लिख देना है 27। अब ये चूंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये आंसर है डी टू, तो आपने यहाँ पर डी टू की जो वैल्यू आई थी वो आपके पास आई थी, डी टू की वैल्यू आई थी जीरो, तो आपने डी टू की जगह लिख देना है जीरो, ए डिटरमिनेंट 27, तो आंसर आ जाएगा जीरो। इसी तरह डी थ्री, तो डी जो डी थ्री है उसका आंसर आपके पास आया 26 डिवाइड बाई 27, यही आंसर है। ठीक है, तो प्लस माइनस की गलती हो सकती है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।